का आंदोलन उग्र होने के बाद छात्र नेता जयराम महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो सुरक्षा बल के जवान हैं, हम बात करने को आंदोलन काफी उग्र हो गया था आप लोगों का। देखिए आंदोलन उग्र नहीं था, जो हमने लिखित दिया था आंदोलन वैसा ही था, शांतिपूर्वक हम लोग जो यहाँ का पुलिस के तरफ से प्लान बनाया गया था, हम लोग अपना दूरी मेंटेन करके बैठे थे, अपना आंदोलन बीडिया के माध्यम से सरकार को संदेश दे रहे थे। पत्थरबाजी की जा रही थी? नहीं, हम लोग एक भी यहाँ देख ली, किसी का कर्मियों को भी लगा जी, प्रशासन के द्वारा की गई थी, नीचे से पत्थरबाजी हो रही थी करके जो आया जिस तरह। नहीं, मीडिया ने हमें प्रशासन ने रास्ता दिया कि इधर से बैरिकेटिंग है, आप इस कच्चे रास्ते से चले जाइए और ग्राउंड तक जाके आप धरना कर सकते हैं। तो प्रशासन के दिखाई रास्ते तक से ही हम लोग आए और जहां बोला गया तो वहीं फिर अचानक आता है कि 144 लगा है। क्या लगता है आज आप लोग का जो आंदोलन था उससे कुछ सरकार को असर पड़ेगा? असर पड़ा है, तभी तो देख रहे हैं कि माने छात्रों को दबाने के लिए एडीएम साहब खुद माने मोर्चा संभाले हैं, लाठीचार्ज हुई है बहुत। हाँ देख, कुर्ता फाट दिया गया, तो घायल है, आंसू गैस भी छोड़ा गया है, आंसू गैस, रबड़ गैस, बदतमीजी भी है। हाँ हुआ हुआ है, सही बात है। हिरासत में लिए गए? हाँ फिलहाल हिरासत में लिए गए, हम तो अंदर जा रहे हैं, हम तो क्या कह सके, आप जब बाहर आएंगे तभी होगा, अगर बाहर आने दिया जाएगा तो। 22 मार्च है, भगत सिंह का, इसीलिए तो सामने हंस के बात कर रहे हैं सामने, सामने। तो बाकी देखिए, बाकी लोग पीछे हट चुके हैं, 2-3 हज़ार के संख्या में थे नौजवान, जान बुझ के क्यों देंगे, हम तो खड़े, हम तो पिटने बोल रहे हैं, जान बुझ के क्यों देंगे, हम ये बोले थे हम पीछे नहीं हटेंगे, फांसी का मांग कर रहे हैं, हम तो फांसी का मांग कर रहे हैं, अगर हम लोग अगर आंदोलन करना गुना है तो फांसी का मांग कर रहे हैं, सही बात है। जयराम जी, कहीं ना कहीं कानून तो आपने तोड़ा, 144 का उल्लंघन। अच्छा दादा, नहीं ठीक नजदीक नहीं, उसका एक दूरी कम से कम होता है 200-300 मीटर में ही 144 होता है, हम लोग हाफ किलोमीटर पीछे हैं, हम लोग भी बचपन से जब वोट देने जा रहे हैं तो हम लोग को भी नॉलेज है कि 144 कहाँ तक होता है, आप देखिए कहाँ है, विधानसभा यहाँ है और आपका जो हम लोग क्षेत्र है लगभग हाफ किलोमीटर है, तो लगभग 200-300 उग्र हुआ, पत्थर चलाए गए, पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। देखिए उसकी हमें जानकारी नहीं, आपके पास अगर वीडियो है तो जो लोग अगर ऐसा किए हैं दोषी हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, आपके टी शर्ट फटे हुए हैं, मना बुरा भेदभाव हुआ है, कपड़ा फाड़ा गया है, खींचाता नहीं हुआ है, लाठीचार्ज अभी तक नहीं हुआ है, आगे अगर अंदर में हुआ तो बता देंगे। कोई छात्र घायल हुए हैं? हाँ, 2-4 छात्रों का लहू बहा है और लाठीचार्ज देखिए इनको हुआ है, जो साथी थे हम पे लाठीचार्ज इसलिए कि हमको पकड़ लिए थे। उग्र आंदोलन, लेकिन आप अकेले गिरफ्तारी दे रहे हैं, ऐसा क्यों? बाकी हम भी गिरफ्तारी देने हम नहीं आए, हम बोले हम पीछे नहीं जाएंगे, हम गिरफ्तारी शौक से नहीं दिए, गिरफ्तार किया गया, हमें गिरफ्तार किया गया, हम गिरफ्तारी देने थोड़ी जाने, इतना बेवकूफ है, गिरफ्तारी अपने दे देंगे। बताइए कि आगे क्या रणनीति रहेगी? हमें तो एडीएम सर अंदर लेके जा रहे हैं, जब बाहर आएंगे तब चर्चा करेंगे। बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं कि छात्र नेता जयराम महतो को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हिरासत में लेकर तमाम जो पुलिस के पदाधिकारी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वह उन्हें हिरासत में लेकर किसी थाने ले जाएंगे, वहां पर इनसे पूछताछ करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों आंदोलन में पत्थरबाजी, क्या इसकी पहले से प्लानिंग थी या कोई इस आंदोलन में घुसकर आंदोलन को भग किया। आपको हम दिखा दें कि विधानसभा के सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवानों को तैनात किया गया, छात्र चकमा देकर किसी तरह से विधानसभा के काफ़ी करीब पहुंच गए थे और इसके बाद लगातार जो प्रशासन की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठी चार्ज की गई, इस दौरान छात्रों की ओर से भी पत्थरबाजी की गई। तो अब इस छात्र नेता जयराम महतो को हिरासत में लिया गया और इनका साफ कहना है कि प्रशासन की ओर से इन्हें धरना स्थल जो साईं मंदिर के पास है वहां भेजा जा रहा था, लेकिन छात्र जो थे बीच से विधानसभा की ओर कुछ कर रहे थे। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही, अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।